हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एयू बैंक के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 14 मार्च 2023 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले एयू बैंक में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन एयू बैंक में हमें देखने मिला है 4.49% का एक नेगेटिव क्लोजिंग। क्लोजिंग यहाँ पे 596.45 पे देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, जरूर जो हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से थोड़ा ज्यादा हमें जरूर जो यहाँ पे वॉल्यूम देखने मिला है। एक तरह से हाई वॉल्यूम हमें यहाँ पे देखने मिला है। कैंडल जरूर यहाँ पे मीडियम टू लार्ज साइज की भी नहीं है और ऊपर और नीचे से हमें छोटी छोटी विक देखने मिल रही है। RSI यहाँ पे 39.40 के आसपास हमारा आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव मूवमेंट का इशारा देता है। लेकिन याद रखना RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें। तब अब रही बात मेरे ओपिनियन के स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जाए नेगेटिव मूवमेंट या पॉजिटिव साइड का। थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट जो है हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करें 590 के आसपास, वहां से हमें फिर एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। रिवर्सल में स्टॉक सबसे पहले आएगा 598 के आसपास, उसको भी क्रॉस करते हुए क्या स्टॉक में अपसाइड मूव जो है वो 611 तक इजिली आते देखने मिल सकती है। बाकी मैं आपको बताऊं तो स्टॉक में अभी भी ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आपके फेवर में होगा वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं वो आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करने तो स्टॉक कभी भी आपको 624 के ऊपर दो दिन तक सस्टेन करते हुए देखने मिले जरूर जब वहाँ पे बाइंग करें, वहां से आपको 5-10% का इजिली अपसाइड मूव 10-15 ट्रेडिंग डेज के अंदर आते देखने मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पे आपको जो करंट प्राइस जो रेकमेंड नहीं करूँगा, मैं तो कहूँगा स्टॉक आप आराम से गिरने दे। स्टॉक कभी भी आपको जो है 569 के आसपास आते हुए देखने मिले जरूर जब वहाँ पे बाइंग करें, बहुत ही बढ़िया बाइंग का लेवल है। लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का लेवल है तो आपको 100% कैपिटल नहीं, सिर्फ 20-25% तक का कैपिटल अपना यहाँ पे यूटिलाइज करना है। बाकी का कैपिटल आप होल्ड करके रखें, जब भी एडिशनल डाउनफॉल आपको 10-20% का देखने मिले तब आप वहाँ पे एडिशनल बाइंग करें। याद रखना एडिशनल बाइंग आपको हेल्प करेगा अपना बाइंग एवरेज प्राइस को जो कम करने में। जितना बाइंग एवरेज प्राइस आपका लॉन्ग टर्म के लिए कम होगा उतना ही बढ़िया प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने मिलेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वनआर के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वनआर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा, ऑलरेडी सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस एज मार्क्ड है। तो फिलहाल हमें कोई मार्किंग्स करने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं जूम कर लेता हूँ, बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग 596.45 क्लोजिंग हुआ, डायरेक्ट सपोर्ट आता है 594.60 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 600.15 का। याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जब उस वीडियो को देख ले। वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन, तो मेरे ओपिनियन आने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनता है आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 591.30 का, उसके बाद क्या था 587.65 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 605.75 का, उसके बाद क्या था 609.30 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूर पॉजिटिव क्लोजिंग है। 600 से लेकर 605 के रेंज में हमारी क्लोजिंग एक्सपेक्टेशन कल के दिन है। आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताएं। पॉजिटिव क्लोजिंग हमें एक्सपेक्टेड है कल के दिन,
यहाँ पे। बाकी आपको क्या लगता है, नेगेटिव रहेगी या पॉजिटिव, हमें जरूर बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।